कन्नौज के सकरावा थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें अध्यक्ष के रूप में छिबरामऊ के सीओ ओमकार नाथ शर्मा व सकरावा थाना अध्यक्ष शशिकांत कन्नौजिया के बुलावे पास सकरावा क्षेत्र के सम्मानित लोग एकत्रित हुए, जिसमें बताया गया कि 17 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार ध्यान में रखते हुए ताजिया निकाला जाएगा, जिसका समय 3 बजे शाम से प्रारंभ होकर रात्रि 8 बजे तक निकाले जाएंगे। ताजियों का समापन सकरावा में ईदगाह के पीछे करबला में किया जाएगा तथा श्रावण महीने में कावड़ यात्रा को निकालने पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर भाईचारे को कायम रखते हुए हिंदू मुस्लिम को बुलाया गया तथा सभी लोगों ने अपना अपना सुझाव दिया। सीओ छिबरामऊ ने आश्वासन दिया और कहा कि अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर सकरावा के प्रधान श्री राम शाक्य उर्फ बंटू, नरेंद्र कुमार प्रधान, राशिद अली, सोनू मिश्रा, अजमेरी कबीर सहित आदि लोग मौजूद रहे। आज सकरावा थाने में पीस कमेटी की बैठक किस उद्देश्य से हुई है? देखिए, आगामी त्यौहार में जैसे हमारे यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकलते हैं, आलम के जुलूस निकलते हैं, और श्रावण महीने में सावन के जो शिव जी के मंदिर हैं उन पर कांवड़ जल चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, तो उसी की व्यवस्था को देखने के लिए। और यहाँ जितने संभ्रांत नागरिक हैं सकरावा क्षेत्र के, उसमें ताजियेदार भी हैं और जो है इलाके के जो प्रधान हैं अच्छे लोग हैं, उनको सबको बुलाया गया और संबंध में इनसे वार्ता की गई, जानकारी ली गई कि किसी प्रकार की कोई अगर जुलूस में निकलने को लेके या सड़क की या कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसके संबंध में बात की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरीके से इस मुहर्रम के जुलूस का संपादन कराना है। इसके साथ सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? सुरक्षा के लिए अब बात इन लोगों से सारे लोगों से बात कर ली गई है, जो पूरा परंपरागत तरीके से जैसे पहले परम जुलूस निकलता रहा है उसमें एक उसकी हाइट डीजे लोग ये लोग यूज नहीं करते, उसके साथ साथ जो रूट है वो निश्चित रूट रहेगा और सारा रोड की बिजली की सब व्यवस्था के लिए भी बता दिया गया और ये लोग जो है अपना उसी शांति के साथ में अपना जुलूस निकालेंगे। इस संबंध में एक 6 तारीख को DM और कप्तान साहब ने मीटिंग भी रखी हुई है वहाँ पर कन्नौज में, उस मीटिंग के लिए भी इन लोगों को आमंत्रित किया हुआ। सर, जैसे भी हाल फिलहाल में हाथरस की घटना हुई है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या कुछ संख्या भी निर्धारित की जाएगी? जुलूस के अंदर लोग देखने के लिए आते हैं, इन लोग की संख्या इन्हीं के लोग रहते हैं उसके अंदर, जो देखने वाले लोग रहते हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। थैंक्स। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।